मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए जय श्री राम। इस वीडियो में हम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या के प्रमुख 10 स्थलों के बारे में बताऊंगा। अयोध्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का एक शहर है। सन 2018 में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या रखा। अयोध्या के प्रमुख स्थलों में पहला है सरयू घाट। सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या हिंदुओं का लोकप्रिय धार्मिक स्थान है। यहाँ पर कई घाट हैं, किंतु राम की पैड़ी को विशेष महत्व दिया जाता है। अयोध्या की यात्रा की शुरुआत यहाँ स्नान करने के पश्चात कर सकते हैं। अगला है नागेश्वरनाथ मंदिर। यह मंदिर राम पैड़ी के पास में है। यहाँ पर स्थापित शिवलिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी स्थापना श्री रामपुत्र कुश द्वारा किया गया था। अगला है दशरथ महल। यह महल भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ का निवास स्थान था। यह महल देखने में बड़ा और भव्य है। यहाँ राजा दशरथ के चारों पुत्र और माता सीता की प्रतिमा है। यह महल सुबह 8 से 12 बजे एवं शाम के 4 से रात को 8-9 बजे तक खुला रहता है। अगला है हनुमानगढ़ी। अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर पर अयोध्या के बीचों बीच हनुमान जी का विशाल मंदिर है। ऐसा माना जाता है श्री राम जी के वनवास पूरा होने के पश्चात हनुमान जी अयोध्या आ गए थे और अयोध्या की रक्षा के लिए हनुमानगढ़ी में रहा करते थे। इसलिए लोग हनुमान जी के दर्शन के पश्चात ही श्री राम जी के दर्शन के लिए जाते हैं। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए, जय श्री राम। अगला है भगवान श्री राम जन्म स्थान। श्री राम के जन्म स्थान पर रामलला की मूर्ति विराजमान है। भक्तगण कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से गुजरकर रामलला के दर्शन करते हैं। यहाँ पर कैमरा, मोबाइल, घड़ी इत्यादि ले जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर परिसर के बाहर लाकर की व्यवस्था की गई है, वहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। हम सभी को उम्मीद है रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। अगला है मणि पर्वत। 65 मीटर ऊंचे इस स्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी के संजीवनी बूटी ले जाते समय पर्वत का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया था। इस जगह से अयोध्या नगरी की खूबसूरती को दूर से देखा जा सकता है। अगला है गुलाब बाड़ी। यह नवाब शुजाउद्दौला का मकबरा है, जिसमें गुलाब का बगीचा बनाया गया है। यहाँ आपको लाल, पीले, गुलाबी, सफेद सभी रंग के गुलाब का फूल देखने को मिल जाएगा। अगला है श्री राम जन्मभूमि न्यास कार्यशाला। यह अयोध्या रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर और हनुमानगढ़ी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के पत्थर रखे हैं और श्री राम मंदिर का एक सैंपल भी रखा है। उसी आधार पर पत्थरों की नक्काशी की जाती है। अगला है बहू बेगम का मकबरा। यह मकबरा अवधी वास्तुकला द्वारा बनाया गया है। इसे पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। इसे नवाब शुजाउद्दौला ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था। अगला है कनक भवन। इस भवन को बेहद ही भव्य तरीके से बनाया गया है। इस महल के बारे में ऐसी मान्यता है कि माता कैकेयी ने देवी सीता को यह भवन उपहार स्वरूप मोदिखाई में दिया था और यह उनका व्यक्तिगत महल था। मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता की प्रतिमा स्थापित है। साथ पूरी ताकत से बोलिए जय श्री राम। अगला है गुप्तार घाट। यह वही स्थान है जहां श्री राम जी अपना राजपाट अपने पुत्र लव और कुश को सौंप कर जल समाधि ली थी, इसलिए इस घाट का विशेष महत्व है। 19वीं सदी में राजा दर्शन सिंह ने गुप्तार घाट का नवनिर्माण कराया था।